हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DDCO50 इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसे कितने दिन लगाया जाता है, कितनी मात्रा में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, DDCO50 इंजेक्शन आता है डॉक्टर मोरपेन का। इसमें जो फॉर्मूला है, जो सॉल्ट है, वो है नेड्रोलोन डिकानोइड इंजेक्शन। दोस्तों, डेकाड्रोबेन इंजेक्शन जो आता है वो सेम होता है और वो एथिकल है, ये जेनरिक है। तो दोस्तों, अगर आप इसे छोड़कर डेकाड्रोबेन लगवाते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों जेनरिक है और जेनरिक पे लोग कम भरोसा करते हैं। और ये इसका जो MRP है 314.50 रुपये है एक एम्प्यूल का, एक इंजेक्शन का। तो आपने जो है, अगर केमिस्ट शॉप पे आप लेना चाहते हैं तो आप केमिस्ट शॉप वाले से ज़रूर ये कहें कि ये एक जेनरिक दवाई है तो कम रेट में दे, तो वो आपको ज़रूर कम कर देगा पैसे। दोस्तों, जो नेड्रोलोन है वो एक स्टीरॉइड होता है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड होता है, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिलता है। तुरंत यानी कि आप इसे सुबह को लगवाते हो तो आपको शाम तक इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके प्रयोग की, ये किस काम में आता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है और खून की कमी में भी किया जाता है। अनीमिया है, किडनी खराब हो गई है, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जोड़ों का दर्द है, बुढ़ापे में चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और दोस्तों, महिलाओं में जो स्तन कैंसर हो जाता है उसमें भी डॉक्टर्स इस इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, इसका जो हड्डियों के लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में दोस्तों क्या होता है कि हड्डियां जो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनमें जो अपने आप फ्रैक्चर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप टूट जाती हैं थोड़ी सी ठोकर की वजह से, या ऊंचाई से, थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बाद वो टूट जाती हैं। तो ऐसे में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है कि जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो सकें। और इस इंजेक्शन का प्रयोग कमजोरी को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो जिनमें सुस्ती रहती है हमेशा, जो थकावट रहती है, काम करने का दिल नहीं करता है, और हाथ पाँव में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उनको चुस्ती फुर्ती के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और जो आजकल जो लड़के बॉडी बना रहे हैं, जो जिम जाते हैं लड़के, तो वो भी इस इंजेक्शन को लगवाते हैं अपनी बॉडी जो बढ़ाने के लिए और मसल्स को बनाने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। और जो जो लड़के लड़कियां जो गेम्स में हिस्सा लेते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, वो भी इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। रनिंग जो करते हैं, जो ज़्यादा भागते हैं दौड़ में, फर्स्ट आने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से इसे इंजेक्शन को ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी ना लगवाएं और ना ही लगाएं, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इसको लगवाने से आपको पहले तो अच्छा लगेगा, बॉडी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी डोज़ की बात करें तो 1 ml ये IM दिया जाता है, यानी कि बैक साइड पर इसे लगाया जाता है। और इसे गलती से भी IM कोई लगाना, किसी को लगाना नहीं चाहिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो नींद आ सकती है इससे ज़्यादा, या उत्तेजना बढ़ सकती है, खुजली हो सकती है, उल्टी, मुहासे भी आ सकते हैं। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें। धन्यवाद।